5:10 ऑलरेडी इतना अंधेरा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज के वीडियो में मैं कुछ नया करने वाली हूँ और क्या नया करने वाली हूँ वो आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा, बट कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले और मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा और आने वाले 2-3 पार्ट्स भी। स्टे ट्यून्ड। आज सोच रही घर में सफाई करूं, करनी तो पड़ेगी, ज़रूरी है। दिस इज बिफोर सबसे ग्रोस पार्ट कोको। This lady over here very proud. Coco, are you very proud? और इसको मेरे सारे हेयर टाइज के साथ खेलने का जो शौक है, I don't know क्या शौक है। What is this, Coco? फिर आप ढूंढते रहो कहाँ गए हेयर टाइज, क्योंकि Coco को चाहिए सारे। Anyway, आज सफाई बहुत ज़्यादा है, सारी जगह गंदी गंद हो रहा है। Let's see. मैं सोच रही थी मैंने अभी पोछा लगाया, मुझे फुटप्रिंट्स किसके नजर आ रहे हैं? अपने फुटप्रिंट्स नजर आ रहे हैं सारी जगह। वेल, झाड़ू पोछे का भी कोई फायदा नहीं है। Coco के लिए भी मैंने लेटर साफ किया है और थोड़ी देर में सब गंदा कर देगी, यकीन है मुझे इसके ऊपर। इट लुक्स नाइस फॉर नाउ। मैं अभी आई हूँ बाहर शॉपिंग के लिए। मैंने सोचा था कि सिर्फ घर साफ करूँगी और उतना ही होगा, बट देन आई रियलाइज कि मुझे थोड़ा चेंज चाहिए और आजकल मैं बहुत सारी DIY वीडियोस देख रही हूँ, तो मैंने सोचा है मैं कुछ खुद से DIY करूँगी। हाय जेन। अभी हमने ये सब कुछ लिया है, घर जाके मुझे थोड़ा और सफाई करके सामान निकाल के फिर सेटअप करना है। आई एम प्रिटी श्योर 1-2 वीडियोस में कम्प्लीट हो जाएगा, बट स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स सी आगे क्या करते हैं। फाइनली हम सारा सामान घर तो ले आए, पर आई गेस मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो गई, मैंने बहुत ज़्यादा सामान ले लिया। पर एनीवे, इन सबको जब मैं असेंबल करूँगी मैं आपको दिखाऊँगी कि इसका क्या बना। आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, इसे अब मैं असेंबल करूँगी होपफुली कल, अगर कल टाइम नहीं लगा तो मे बी नेक्स्ट वीक, बट जैसे ही असेंबल होगा मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी कि मेरा नया कॉर्नर और सेक्शन कैसा लग रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगी कि कौन सा सेक्शन मैं खाली करने वाली हूँ और कहाँ पे मैं क्या एलोकेट करूँगी। आई होप जिस हिसाब से मैं अपने दिमाग में सोच रही हूँ उसी हिसाब से हो और सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए। वेल, आई सी यू गाइस सून, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाय अगेन, ये नेक्स्ट डे नहीं है, नेक्स्ट वीक है। क्योंकि अगले दिन मैं बिजी हो गई थी, मैं कुछ कर नहीं पाई और फिर दोबारा से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, हफ्ता कब गया मुझे पता भी नहीं चला। तो ये रहे हम अगले हफ्ते। मैं अपने लिए कुछ एक सामान लेके आई हूँ जिसमें से मैं एक किचन ऑर्गेनाइज़र लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारा सामान है छोटा छोटा, काफ़ी सारे मसाले, तो उन सबको अरेंज करने के लिए ये छोटी शेल्फ काफ़ी नहीं थी, इसलिए मैं अपने लिए एक बड़ी शेल्फ लेके आई हूँ। आई होप इससे मेरा पर्पज़ सॉल्व हो जाए। रिगार्डलेस, मैंने सारा सामान अपने पुरानी शेल्फ से उतार के नई शेल्फ में डाल दिया और मुझे लगा वाओ इतना काफ़ी है और मैं काफ़ी खुश थी 2 सेकंड के लिए। फिर मुझे लगा और भी मेरे पास सामान है, तो इसलिए मैंने सारे बड़े डब्बे छोटे ऑर्गेनाइज़र में डाल दिए। अब बर्तन तो हो ही चुके हैं और मैंने वो सेक्शन भी थोड़ा क्लीन कर दिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है अब एकदम ऑर्गेनाइज, एटलीस्ट मेरे लिए लग रहा है। रेस्ट हाफ करने को है, जो कि अभी मैं थोड़ी देर में ही करूँगी। बट अब मैं क्या करने वाली हूँ, जो ये मेरे पीछे टेबल है, डाइनिंग टेबल, जो कि हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हम ये काउच यूज़ करते हैं, ये टेबल, मैंने सोचा है इसको मैं यहाँ से हटा के कुछ और करने वाली हूँ, जिसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा और मुझे बताना एंड में कि आपको मेरा DIY और थोड़ा सा चेंज कैसा लगा घर के अंदर, क्योंकि मैंने बोर हो चुकी हूँ सेम चीज़ रोज़ देख देख के काम से घर, घर से काम, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा घर के अंदर को ही मैं रीअरेंज करूं और दोबारा से चीज़ें सेटअप करूं। मैं थोड़ी और एडिशनल चीज़ें भी लेके आई हूं, पर मैं इस वाले टेबल को बाहर कर दूंगी, देखते हैं कैसे बनता है। आई एम वेरी एक्साइटेड, मैंने क्योंकि सोच रखा है थोड़ा बहुत, और थोड़े बहुत रेफरेंसेज मैंने इंटरनेट से लिए थे, आई होप वो सारे काम आए और जिस हिसाब से मैं इमेजिन कर रही हूँ उस हिसाब से ये कमरा लगे। ओके, सी यू। जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी मुझे लगा वाह कितनी फुर्तीली लड़की हूँ मैं,
इतने जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। रियल टाइम पे ये कुछ और है, और रियल टाइम में जितना टाइम लगा है वो मैं ही जानती हूँ। मुझसे सिर्फ एक ही पीस डिसेंबल हुआ जहाँ पे मुझे उम्मीद थी कि मैं सारा काम आज ही कर लूँगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जितनी खुश मैं अभी हूँ उतनी ही थकी हुई थी मैं लास्ट में जब मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया। मैंने सोचा था कि आज मैं सब कुछ असेंबल कर दूँगी बढ़िया से घर अच्छे से चमका दूँगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये टेबल मेरे पास पुराने वाले घर से, वो घर थोड़ा ज़्यादा बड़ा था। ये वाले घर में जगह तो है बट लेकिन जितना ज़्यादा सामान उतना छोटा भी लगता है और क्राउडेड भी लगता है। इसलिए मैंने सोचा जो पीसेज मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ उनको मैं निकाल ही दूँ, जैसे कि ये डाइनिंग टेबल। तो मुझे लगा था कि मे बी हाफ एन आवर मैक्सिमम सब कुछ निकालने के लिए और हाफ एन आवर बाकी सब कुछ लगाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसको निकालते निकालते ही मुझे आई गेस 2 घंटे लगे, क्योंकि ये ना काफ़ी टाइम से असेंबल था। स्क्रूज इसके बहुत ही ज़्यादा सख्त थे, निकालते निकालते इनको हाथ दुख गए थे मेरे। फिर मैं अरेंजमेंट करने लगी बट ये अरेंजमेंट सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, इसलिए मैं दोबारा से ये सब कुछ करूँगी। ये मैं अपने लिए कोट हैंगर लेके आई हूँ, कपड़े फोल्ड करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा बाहर से जो भी लोग आते हैं उनके जैकेट्स वगैरह के लिए एटलीस्ट ये अच्छी जगह होगी, क्योंकि बाकी पूरे घर में तो मैंने अपने कपड़े रखे होते हैं। आई एम किडिंग कर लेती हूँ मैं साफ, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये कोट हैंगर मुझे लगा एक अच्छा एडिशन होगा, क्योंकि अब जैसे सर्दियाँ शुरू हो गई है और लोग ज़्यादा लेयर करते हैं अपने आप को, एटलीस्ट अपने कोट अच्छे से रखने के लिए जगह तो होगी। ये हो गया है। कोको रो रही अपने खाने के लिए। यस कोको, यस कोको का डिनर टाइम हो चुका है। वेल मेरा DIY तो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, बट आई गेस आज का मैं व्लॉग यहीं ख़त्म करने वाली हूँ। 9 बज गए और मैं शायद 6:30 से कर रही थी। आई नो देखने में इतना ज़्यादा नहीं है बट अकेले सब कुछ अनस्क्रू करना बहुत ही मुश्किल था, स्पेशली टेबल डिसेंबल करना, बिकॉज मेरे ख्याल से वो काफ़ी सालों से वैसे ही जुड़ा हुआ था। यस कोको, यस 9 बजे इसका डिनर टाइम हो जाता है, 9:30। आई गेस मिलती हूँ आप सभी लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, अपना ध्यान रखें और मुझे बताएं अगर आप लोगों ने भी कोई DIY किया और रिसेंटली क्या था कैसे था, या अगर आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हैं। मैंने ड्रेसिंग टेबल यही रखना है, दूसरी साइड रखूँ, थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। अब डिनर की भी तैयारी करनी है, बहुत सारे काम है। बट स्टे ट्यून्ड, Part 2 में आपको दिखाती हूँ फाइनली कैसा लग रहा है। बाय। सारा काम करने के बाद मुझे जैन का कॉल आता है कि उसने आज कैरेट केक बनाया, और ये तो मैं किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकती थी, क्योंकि जितना बढ़िया कैरेट केक ये बनाती है उतना बढ़िया मैंने किसी स्टोर में भी नहीं खाया, किसी एक्चुअल बेकरी में। तो ये अपॉर्चुनिटी तो मैं मिस नहीं करने वाली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी थोड़ी हेल्प भी कर लूँ और खा भी लूँ। खाने के बाद बिचारी ने हमारे लिए थोड़ा बहुत लेफ्ट ओवर भी पैक किया था। चलो आज का तो मैं व्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ। गुड नाइट, सी यू।